आप सभी को मेरा प्रणाम। इस आश्रम ये जो पवित्र भूमि जो है इसका आपने निर्माण किया है, आपके गुरु जी थे वो निमित्त थे, आनंदी माँ आगे उसको चला रही है, आपके सपोर्ट है और आज गुरु जी हमारे साथ है। मनुष्य देह में है लेकिन दिव्य काम कर रहे हैं, देवदूत का काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया गुजरात अमरेली से हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे, उनको बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत सारी ट्राई की उन्होंने, जितनी बोलो सब ट्राई की, कुछ बाकी नहीं रखा और दिल से ट्राई की, फिर भी वो थक गए, सुसाइड करने का भी सोचा था उन्होंने। फिर उनको ये प्रकृति का विज्ञान मिल गया, उन्होंने किया और उनको चमत्कारिक रिजल्ट मिला और उस उनका विश्वास इतना था कि सबको बताते थे, उनके रिश्तेदारों को बताया, उनकी पत्नी को भी प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व किए, रिश्तेदार वगैरह करते गए धीरे 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 फैलते गए, पहचान वालों से गांव में, गांव से फिर शहर में, शहर में से फिर गुजरात में, गुजरात से फिर फैलते फैलते महाराष्ट्र में, मुंबई में और फैलते फैलते आज इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। करोड़ों लोग जानते हैं एनडीएस क्या है, सभी जाति सभी धर्म सभी भाषा सभी प्रांत सभी मान्यता के लोग इससे जुड़े हुए हैं। गुरु जी पूरे भारत ही नहीं विश्व का में जाते हैं और यही संदेश दुनिया को देते हैं। कुदरत के कानून बताते हैं कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, बिना दवाई कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, बीमारी कोई भी हो लेकिन अगर हम कुदरत के नियम से चलेंगे तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। मेरे ख्याल से पिछले 30 साल से यही कर रहे हैं और अभी तो रिटायर्ड है तो फुल टाइम इसमें ही है और डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ का ऐसा है वो आएंगे उनका बोल के चले जाएंगे, आपसे कोई अताली की भी अपेक्षा नहीं, प्रशंसा की भी अपेक्षा नहीं और कोई भी चीज में उलझते नहीं है। आपके मैनेजमेंट में आप क्या लाए क्या गए क्या क्या कमाया क्या खोया उससे उनको कोई नहीं है, आनंदी माँ कैसे संभाली कि उनको नहीं, बस करना है हो गया हो जाएगा। तो ये दिव्य गुण के साथ कर रहे हैं और हम सबको तो लाभ हुआ ही है। तो हमारी इच्छा है, गुरु जी की बड़ी इच्छा है कि जन जन तक फैले। जब कुदरत ने संपूर्ण व्यवस्था की है स्वस्थ रहने की तो हम उसको समझे और अपने व्यवहार के जीवन में लाए तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। ये छोटा बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बीमारियों का कोई बड़ा हिसाब नहीं है। इतनी दवाइयाँ, इतने डॉक्टर, इतनी पैथियाँ हैं, फिर भी बीमारियाँ तो दिन ब दिन बढ़ती है। तो बिना दवाई कैसे स्वस्थ हो सकते हैं? तो हमारे शरीर की शुद्धि है, मन की शुद्धि है, आत्म अनुभूति की बात भी यहाँ होती है। तो तप सेवा सिमरन का मार्ग है, तप से शरीर को शुद्ध करना है, सेवा से और सिमरन से मन को शुद्ध करना है और आत्म अनुभूति की ओर जाना है। ये संपूर्ण है, प्रैक्टिकल है, सभी को अपनी बीमारियों में लाभ हुए हैं, स्वभाव में फर्क आया है और बहुत प्रैक्टिकल है। मीन्स रियल लाइफ में ऐसा नहीं गए जन्म अगले जन्म की कोई बात नहीं है, वर्तमान ही सुधारो बस, उसमें क्या करना है कैसे करना है। एक छोटा बच्चा भी हो तो समझता है, कोई बड़ा डॉक्टर हो तो वो भी समझता है, साधु संत महात्मा भी समझते और करते तो उनको भी लाभ मिलता है। हमारे शास्त्र में यही कहा गया था लेकिन शास्त्र का कमजोर अर्थघटन हुआ इसलिए हम सब बीमार हैं। बाकी आके जो है गुरु जी है, उनसे पूछिए, अगर कुछ पूछना है वो बिल्कुल आपको बताएंगे, क्योंकि इतने जो डाउन टू अर्थ नहीं, ठीक है।